प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकाला जाता है वो सबको समझ में आ गया, किसको कोई डाउट तो नहीं है उसमें? ठीक नो है जी, चलो फिर एक बार मेरे साथ जरा रिपीट करके मुझे बताएंगे आप। अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है नंबर्स की, तो अगर मुझे HCF लेना है तो क्या मुझे सारे के सारे प्राइम लेने हैं या सिर्फ वो वाला प्राइम लेना है जो, एक सेकंड बच्चों वीडियो ऑफ है मेरा, एक सेकंड। हाँ जी, मुझे सिर्फ वो वाला प्राइम फैक्टर लेना है जो सब में पड़ा है या वो वाला प्राइम लेना है जो सारे के सारे प्राइम HCF लेते हुए, सब में पड़ा है। जो सब में पड़ा है वो लेना, और उसकी हाईएस्ट पावर की लोएस्ट पावर? HCF लेते हुए वो वाला प्राइम जो सब में पड़ा है वो लेना है, एक बार। दूसरा, उसकी लोएस्ट, सबसे छोटी, जो जितनी बार, सबसे कम बार आ रहा है, सबसे छोटी जो पावर है वो लेनी है। और एलसीएम लेते हुए जितने भी प्राइम फैक्टर्स पड़े हैं सारे के सारे लेने हैं, और उनकी कौन सी पावर, हाईएस्ट की लोएस्ट हाईएस्ट पावर उठानी है। चलो जी, ये तो बात हो गई हमारी एलसीएम एचसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे ली जाती है। हम मॉड्यूल 3 कर रहे थे, एक एमसीक्यू हमने कर लिया था और 2 असर्शन रीजंस कर लिए थे। अब हमने देखना है सेकंड एमसीक्यू। लो जी, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 9 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 16, 24 एंड 48। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ लो और पढ़ने के बाद मुझे बताओ क्या करेंगे। रीड इट केयरफुली वंस और ट्वाइस एंड देन टेल मी व्हाट आर यू गोइंग टू डू। मैं फाइंडिंग एलसीएम यू हैव टू फाइंड दी एलसीएम। देखो जी, जब भी आ जाए एक ऐसा नंबर विच इज डिविजिबल बाय बहुत सारे नंबर्स, तो ऑब्वियसली जिस नंबर की हम बात करेंगे वो उन सबसे बड़ा होगा या उनमें से ही कोई नंबर हो सकता है, उन सबसे छोटा तो नहीं हो सकता जो उनसे डिविजिबल हो जाए, है ना। और जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो मेरा आंसर क्या आता है, जितने नंबर्स का एचसीएफ निकाल रहे हो उनसे छोटा आएगा या उसके बराबर आएगा, बड़ा तो नहीं आएगा। नहीं। इसका मतलब यहां पर हमें क्या निकालना है, एच सी एफ के एल सी एम क्या निकालना है। हाँ जी, एल सी वी हैव टू फाइंड एल सी एम किस किस का, 12, 16, 24 एंड 48 का एल सी एम निकालना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी बोली गई है, द लीस्ट नंबर विच वेन डिक्रीज्ड बाय 9 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। चलो पहले एलसीएम निकालो फिर अगली बात करते हैं। 12, 16, 24, 48, फटाफट से जरा एलसीएम निकाल दो, जल्दी से करना जरा। इकट्ठा प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो क्योंकि आसान ही है फैक्टर्स, मुश्किल नहीं है, जल्दी जल्दी कर दो।48 48 इज द एलसीएम, विल दैट बी द आंसर, दिस इज समथिंग वी हैव टू थिंक अबाउट। लेट अदर्स ऑल्सो फाइंड द एलसीएम, देन विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप। एलसीएम निकालो फटाफट सारे के सारे, 12, 16, 24, 48। आंसर 48 कोई एक डिस्कनेक्ट हो गया है। आई कैन व्यू 5 क्लासरूम्स, डी एफ जी सी एंड ई, ए सिक्स्थ ए इज नॉट, सिक्स्थ ए आई कैन सी। मैम 48 आंसर 48 एलसीएम है, इज दैट द आंसर, दिस इज द पॉइंट वी हैव टू डिस्कस। यहाँ पर पहले हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालेंगे तो टू टू सब में कॉमन फैक्टर आ रहा है, टू कॉमन है तो 2 6 2 8 2 12 एंड 24, 48 को 2 से डिवाइड किया तो 24, फिर से 2 कॉमन है, 3 4 6 12, फिर से 2, 3 2 3 4,
सॉरी सिक्स। ठीक है जी, 3 2 3 6। अगेन आई कैन टेक 2 3 1 3 2। नाउ आई विल टेक 3 1 1। कैमरा इज नॉट वर्किंग ऑफ सिक्स थे। सिक्स थे, कैमरा इज नॉट वर्किंग। सिक्स थे, कैन यू सी द बोर्ड? मैंने 2 लिख दिया सिक्स के लिए। मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मेरे को दिख गया वो। हाँ जी, सिक्स थे स्टूडेंट्स, कैन यू सी द बोर्ड? चलिए इट्स ओके, एक बार बोल दो, सिक्स थे का कैमरा काम नहीं कर रहा, उन्हें देख रहा है। हाँ जी, तो पहला फैक्टर टू लिया हमने, फिर से हमने टू लिया, फिर से हमने टू लिया, फिर टू लिया, तो मेरे पास आ गया 3 1 3 3, और जब 3 लेंगे तो 1 1 1। सो 2 2 जा 4 8 2 जा 16 3 जा 48। अब मुझे क्वेश्चन में बोला क्या गया है, मुझे बोला गया है यू हैव टू फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 9 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल दीज। तो क्या मेरा आंसर 48 होना चाहिए? दोबारा सुनो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको अगर मैं 9 से डिक्रीज कर दूं तो वो इन सब से डिविजिबल हो। अगर मैं अपना आंसर कहूं 48, मैं इसको 9 से डिक्रीज करूंगी तो नंबर बना 37। क्या 37 इनसे डिविजिबल है? No. तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा फिर। ध्यान से समझना है, अगर क्वेश्चन होता फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स, तब तो आपका आंसर जो एलसीएम आया है 48 वो परफेक्ट था। सिक्स ए का कैमरा नहीं काम, सिक्स ए का कैमरा इज नॉट वर्किंग, दे आर नॉट विजिबल टू मी, दे कैन सी आई कैन। हाँ जी, तो 48 इज द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल। 12 के टेबल में 48 आता है, 16 में आता है, 24 में आता है, 48 में तो आता ही है। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको 9 से डिक्रीज करने पर वो इन सब से डिविजिबल हो जाए। तो मुझे अपना आंसर निकालने के लिए क्या 48 में 9 ऐड कर देना चाहिए? Yes. ध्यान से समझनी है हमने, हमारे पास एलसीएम सभी नंबर्स का आ गया 48, क्वेश्चन में कहा गया ऐसा नंबर जिसको 9 कम कर दूं तो वो इन सब से डिविजिबल हो। तो मैं क्या करूं, मुझे पता है 48 इन सब से डिविजिबल है, मैं इसमें प्लस 9 कर देती हूं। जब प्लस 9 करोगे तो आंसर क्या बना, 57। सो मेरा आंसर क्या होना चाहिए यहां पर, 57 बनेगा ना बेटा, 48 में 9 ऐड करोगे तो 57 आएगा। पहले बताओ मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या कह रही हूँ? No. चलो अब एक बात बताओ, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया वो देखते हैं, एक बार दोबारा सुनते हैं। लीस्ट नंबर विच वेन डिक्रीज्ड बाय 9, इस बात का मतलब क्या है, विच वेन डिक्रीज्ड बाय 9, डिक्रीज्ड बाय 9 का मतलब क्या होता है? 38 को 9 डिक्रीज कर दो तो क्या करोगे, माइनस कर दोगे, और अगर मैं कहूँ इंक्रीज कर दो तो प्लस कर दोगे, यही करेंगे। Yes. जब हम कहेंगे डिक्रीज तो आप माइनस करोगे, जब हम कहेंगे इंक्रीज तो आप ऐड करोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है, लीस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 9, एक ऐसा नंबर जिसको 9 कम कर दूं, जिसमें से 9 माइनस कर दूं और जो नंबर मिले वो इन सब से डिविजिबल हो। क्वेश्चन दोबारा समझो, क्या कहा गया, मुझे कौन सा नंबर ढूंढना है जिसको 9 कम कर देने पर वो इन सब से डिविजिबल हो जाए। अब क्वेश्चन समझ में आया? यस यस यस।
अब 11 माइनस 9 क्या माइनस नाइन? दोबारा सुनते हैं, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको अगर मैं 9 कम कर दूं तो वो इन सब से डिवाइड होना ना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप इन सब का एलसीएम निकाल रहे हो, वो 48 आ रहा है, तो वो इन सब से डिवाइड हो रहा है। हाँ जी, डिवाइड हो रहा है, लेकिन मुझे कौन सा नंबर ढूंढना था जो इन सब से डिवाइड हो जाए, वो ढूंढना था क्या? क्वेश्चन के हिसाब से वो नंबर ढूंढना था जो इन सब से डिवाइड हो जाए। यस। तो फिर ये क्यों दिया है, लीस्ट नंबर विच वेन डिक्रीज्ड बाय 9? ये ऐसे फालतू में दे दिया बिना मतलब में। फिर तो क्वेश्चन सीधा कह देता, फाइंड अ नंबर विच डिवाइड्स ऑल दीज, फिर ऐसे कह देना चाहिए था ना, फाइंड अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल दीज, फिर तो ऐसे कहना चाहिए था। एक क्वेश्चन दिया हो, फाइंड अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल दीज, तो आपको पता है आपने एलसीएम निकाला, आपका एलसीएम 48 आया, तो 48 इन सबसे डिविजिबल है। यहां तक तो बात ठीक है, इज इट ओके? यस। फिर ये जो पहले जो कहानी दी है, ये क्यों दी है? विच वेन डिक्रीज्ड बाय 9, इसका तो कुछ मतलब होगा। डिक्रीज का मतलब भी आपने समझा क्या मतलब होता है? कम कर देना। मतलब वो क्या चाहता है? वो चाहता है ऐसा नंबर जिसको मैं 9 कम कर दूं तो वो एलसीएम, तो वो इन सब से डिविजिबल हो। अगर आप आंसर कहें 48, 48 को 9 डिक्रीज कर दूं तो 37 बन गया, क्या 37 इनसे डिविजिबल है? नो। लेकिन अगर मैं आंसर करूं 57 और उसको 9 डिक्रीज कर दूं, मैं आंसर करूं 57 इसको 9 डिक्रीज कर दूं तो आया 48, क्या ये सारे इससे डिविजिबल हैं? यस यस। तो अब बताओ मेरा आंसर 48 होना चाहिए कि 57 होना चाहिए कि 37 होना चाहिए? अभी किस किस को समझ नहीं आया? अभी भी बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आया, जिनको नहीं आया हाथ खड़ा कर दो फटाफट, जल्दी जल्दी, देर नहीं करनी है, जल्दी से हाथ खड़ा कर दो जिसको मेरी बात समझ नहीं आई। 48 माइनस 9 39 होगा, आपने 37 लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, 39 होगा, सॉरी। चलिए तो आंसर 39 होना चाहिए, 57 होना चाहिए कि 48 होना चाहिए? हमारा तो पॉइंट ये है, आंसर शुड बी 57। क्यों 57 होना चाहिए? क्योंकि मुझे क्या कहा गया, वो वाला नंबर बताओ जिसको 9 कम कर दूं तो वो इन सब से डिवाइड हो जाए। इन सब से डिवाइड होने वाला नंबर है 48, मैंने कहा इसको 9 बढ़ा देती हूं, तो जब इसे 9 कम करूंगी तो ऑब्वियसली सबसे डिविजिबल हो जाएगा। आई कुछ बात बुद्धि में कि नहीं, पहले बताओ? यस यस यस। चलो फिर अगला क्वेश्चन पढ़ो, आप देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या करोगे, फटाफट पढ़ो जरा, देखें। टू नंबर्स विच आर नियरेस्ट टू 10,000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? जब भी एग्जैक्टली डिविजिबल की बात आ जाती है तो निकालना क्या होता है मुझे? एलसीएम एलसीएम। जितने भी नंबर दिए हैं 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, उनका एलसीएम निकालो पहले, तो फटाफट निकाल दो, जरा देखें क्या निकालते हो, फिर अगली बात सोचेंगे क्या करना है।
मैम एलसीएम इज 420। एलसीएम इज 420, 420। हाँ चलो एलसीएम सबका आ गया 420। यस यस। एनीवन हु हैज नॉट रीच्ड एट द एलसीएम एज 420, अगर कोई ऐसा बच्चा अभी बैठा हो जिसका एलसीएम नहीं आया हो 420 तो वो बता दो। चलिए जी, अब एलसीएम तो आ गया है हमारा 420। अब मुझे क्या ढूंढना है, अ नंबर नियरेस्ट टू 10,000 विच इज डिविजिबल बाय ऑल दीज। अब मुझे ये पता है जो 420 है वो इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं 420 के मल्टीपल्स ले लूं तो क्या वो भी इन नंबर से डिवाइड हो? यस। एक नंबर है जो 420 से डिवाइड हो रहा है, अगर मैं 420 इंटू 2 कर दूं या 420 इंटू 3 कर दूं या 420 इंटू 10 कर दूं तो वो भी ऑब्वियसली डिवाइड होएगा, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे 10,000 के पास के दो नंबर ढूंढने हैं जो 420 के मल्टीपल्स हों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. 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 क्या तरीका लगाऊंगा? एक तो है कि मैं 420 को मल्टीप्लाई करके देखती जाऊं, 2 से 3 से 10 से 20 से 25 से करके देखती जाऊं कि कौन सा नंबर मेरे पास बनता है जो 10,000 के नियरेस्ट है, पर वो तो बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई करूं मैं, है ना। अब और क्या सोच सकते हो, कैसे पता चले कि 420 से नंबर को पूरी तरह डिविजिबल करना है और नंबर 10,000 के आसपास होना चाहिए? एक काम करें, 10,000 को 420 से डिवाइड करके देख लें, करें yes, yes. करो फिर, और क्या रिमाइंडर बच रहा है वो मुझे बताना है आपने। बातें नहीं, बातें बिल्कुल भी नहीं, सेक्सी गर्ल्स डोंट टॉक। 10,000 को 420 से डिवाइड करो और देखो क्या पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, अगर पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, वो अगर बच रहा है कुछ तो मुझे बता दो क्या बच रहा है, फटाफट करो जरा। यादव जी खोल लो, वो चल नहीं रहा, चल नहीं रहा, लो बताओ, मैं तब से घंटा लगाई जा रही हूँ। लिंक भी डाल दी मैंने, ये भी नहीं चल रही, यही तो नहीं पता, नहीं चलिए ये नहीं खुल रहा था जी, ये चल नहीं रहा। एलसीएम आया आपका 420, नंबर ढूंढना है 10,000 के पास, तो मैंने क्या कहा इसको 420 से डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं क्या ये फुली डिविजिबल तो नहीं है, ऑब्वियसली दिखता है मुझे, रिमाइंडर क्या बच रहा है वो समझा दो मुझे, जल्दी से निकालो जरा देखें क्या रिमाइंडर बचा रहे हो। हाँ जी मैम 340 रिमाइंडर। 340, चलिए जी बताओ जल्दी से, बाकी भी करो, 340 रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं? हाँ जी 340 रिमाइंडर। यस। इसका मतलब यस, अगर ये वाला नंबर
इतना कम कर दूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा? अगर 10,000 को जो रिमाइंडर बच गया वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा पहले तो वो बताओ। 9,660, ठीक है जी। अब सोच के बताना कि यहां पर अगर 10,000 की बजाय 9,660 होता तो क्या डिवीजन करने पर कोई रिमाइंडर बचता था? नो। इसका मतलब 420 का मल्टीपल हो गया मेरा नंबर कौन सा? 9,660, विच इज नियरर टू 10,000। दोबारा समझो क्या करना है। किसी भी नंबर के आसपास आपको ढूंढने हो नंबर्स डिविजिबल बाय सर्टेन नंबर्स, तो उन नंबर्स का सबसे पहले एलसीएम निकाला, जिसके आसपास ढूंढना है उसको उस एलसीएम से डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर बच गया उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो नंबर है वो आपका 420 से इस केस में पूरी तरह डिविजिबल होगा। करके देख लेते हैं एक बारी कि कोई डाउट भी ना रहे, करना जरा, क्या पूरी तरह डिविजिबल हो रहा है? यस। हो गया पूरी तरह डिवाइड, क्योंकि इसको डिवाइड करने पर इतना रिमाइंडर बच रहा था, मतलब इतना इसमें से निकाल दूं तो ऑब्वियसली मेरा नंबर 420 से डिविजिबल होने ही वाला है। लेकिन अब इसने मुझे क्या कहा, फाइंड टू नंबर्स नियरेस्ट टू 10,000। अब ये सब्ट्रैक्ट करके नंबर तो मिल गया 9,660, अगला नंबर कैसे लाऊं? हाँ जी, ज्यादा पास होगा 10,000 के, क्या करूं मैम? जो ज्यादा पास होगा 10,000 के, हाँ 10,000 के और इससे पास वाला, देखो ये तो मिल गया, वही कह रही हूं, अब दूसरा कहां से लाऊं? कैसे पता चलेगा अगला नंबर क्या है? एक बात बताओ जरा, अच्छा मेरी बात ध्यान से बच्चों, जो बात कह रहे हैं ना उसको पहले समझने की कोशिश करना, ताकि क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। अगर आपने समझ के किया, अगर रट्टा मार के किया फिर यही क्वेश्चन कर पाओगे, बाकी तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये 9,660 कैसे मिल रहा है? 420 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो ये मिल रहा है, पूरी तरह से डिविजिबल होने का यही मतलब है। ये बात समझ में आती है सबको? पहले ये बताओ। तो मतलब ये मैंने कहा था मुझे नंबर चाहिए जो 420 के मल्टीपल्स हों। पहला नंबर जो मुझे मिला जो 10,000 के पास है वो 420 को 23 से मल्टीप्लाई करके मिला 9,660। अब अगर मुझे अगला नंबर ढूंढना हो तो मुझे 420 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगर अगला मल्टीपल ढूंढना है तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 24। जो यहां से आंसर आए वो मेरा अगला नंबर मिल जाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, इस नंबर में मैं 420 ऐड कर दूं तो भी क्या मेरा आंसर बनना चाहिए? थोड़ी थोड़ी बातें समझने की कोशिश करो। चलो हम छोटे नंबर के साथ समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से मैं 6 के मल्टीपल्स ले रही हूं, 6 का मल्टीपल अगर आप देखते हो तो कैसे लिखते हो 6 के मल्टीपल्स? 6, 12, 18। आंसर इज पार्ट ए, आंसर इज पार्ट ए, वो तो मैंने निकाल दिया। मैं क्या कह रही हूँ, क्वेश्चन कहीं आंसर पे नहीं जाना, क्वेश्चन में क्या किया और क्यों किया वो अगर समझ लोगे तो क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए कभी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो अगर हम यहाँ पे मल्टीपल लिख रहे हैं, इस मल्टीपल से इस पे जाना हो कितना ऐड कर रही हूँ इससे इस पे जाने के लिए? मतलब जो मल्टीपल मेरे पास पड़ा है उससे अगला मल्टीपल अगर मुझे चाहिए 6 का तो उसमें कितना ऐड किया मैंने? 6। अब यहाँ पर 420 का 23 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर बन रहा था वो ये पड़ा है,
अगर अगला नंबर चाहिए तो कितना ऐड करना पड़ा इसमें? 420। 420। ये डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? यस। एक बार सारा क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपने क्लासेस में जरूर किया है, किया ना पहले क्लासेस में जब एलसीएम एचसीएफ किया आपने? हाँ, पर सुन इसीलिए तो बाद में जाके परेशान होते हो, फिर बेचारे मैथ्स को गालियां देते हो कि मैथ्स अच्छा नहीं है जी, मैथ्स तो मुश्किल है ना, दिमाग अपना नहीं चलाते हो तुम लोग। तो जरा ध्यान से सुनना, एक एक स्टेप को ध्यान से देखते जाना। क्वेश्चन कुछ मर्जी आ जाए, मैं यहाँ 10,000 की बजाय मैं 1 लाख कर दूं, इस 10,000 की बजाय मैं 5,000 कर दूं, ये जो नंबर 2, 3, 4, 5, 6 दिए इनकी जगह मैं 10, 12, 20, 25 कुछ भी कर दूं, मेथड तो सेम ही रहने वाला है। एक बार सारे स्टेप समझ लो, जब भी आपसे पूछा जाए, जहां भी आ जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज नंबर्स, सबसे पहली बात एलसीएम निकले। हमने जो नंबर्स दिए थे उनके एलसीएम निकाले, वो आया 420। अब अगर तो सिंपल क्वेश्चन ये होता, फाइंड अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल दीज, तो मेरा आंसर हो जाता 420। अब वो वहां पर नहीं रुका, उसने कहा 10,000 के पास में ऐसे दो नंबर चाहिए जो 420 से डिवाइड हो जाए। तो ऑब्वियसली जो भी नंबर होंगे वो 420 के मल्टीपल्स ही होने चाहिए, तभी वो उससे डिवाइड होंगे। अब वो ढूंढने के लिए हमने क्या किया, जिसके आसपास नंबर चाहिए था उसको इस एलसीएम से डिवाइड कर, जो मेरा रिमाइंडर बचा उसको इसमें से माइनस कर दिया, तो एक नंबर मिल गया, क्योंकि जो नंबर आएगा वो पूरी तरह से 420 से डिविजिबल होगा। अब उसके पास में ही एक और चाहिए, तो जिसका मल्टीपल ढूंढ रहे थे वही बीच में हमने और ऐड कर दिया, बस आ गया आंसर। आया समझ में? किसी को अगर कोई भी स्टेप नहीं समझ में आया है तो फटाफट शाबाश जल्दी से देख लो सारे स्टेप, कोई भी स्टेप ऐसा जिसमें आपको लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है वो मुझे बताएंगे आप। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? अभी 5 मिनट रुक के ऐसा कुछ दोबारा दूंगी मैं, और जब फिर नहीं निकला तो फिर दिक्कत है। अभी पूछना पूछ लो, अभी मैं 4 बार भी बताऊंगी। 2 मिनट रुक के दोबारा दूंगी मैं क्वेश्चन ऐसा, सब सुन लो मेरी बात ध्यान से। चलो ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा, अभी चले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलो यहाँ डलना नीचे था, बट चलो पढ़ो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ो और बताओ क्या समझ में आता है तुम्हें। जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4 एंड टेल मी व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन दिस क्वेश्चन। एलसीएम, किसका एलसीएम निकालूं? एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन ही है नहीं, तो सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। पढ़ो जरा क्वेश्चन को ध्यान से, किसका एलसीएम निकालोगे पहले ये बताओ मुझे। आपने सोचा एलसीएम के ही क्वेश्चन चल रहे हैं तो बस कुछ तो भी बोल ही देते हैं, हाँ? क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन है, अ बॉय सेव्स रुपीज 4.65 डेली, द लीस्ट नंबर ऑफ डेज इन विच ही विल बी एबल टू सेव एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज। मतलब अभी वो 4 रुपए 65 पैसे बचा रहा है एक दिन में, कितने दिन तक वो ऐसे ही बचाता रहे कि एग्जैक्ट अमाउंट आ जाए। एग्जैक्ट अमाउंट मीन्स 100 रुपए 200 रुपए 250 रुपए 220 रुपए, ऐसे पॉइंट में कुछ ना कुछ पैसे नहीं, सिर्फ एग्जैक्ट रुपीज। ठीक है जी, तो इसमें तो सिंपल आपको 4.65 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर होल नंबर बन जाए, ये देखना है। कोई एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मल क्या करना है, 4.65 को बाय विच नंबर शुड आई मल्टीप्लाई इट सो दैट माय आंसर इज अ होल नंबर। आंसर इसका 20 बनेगा, ये कर लेना, मतलब इसमें कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है थोड़ा। चलिए आगे चले जी, assertion reason कर लिया था हमने। Yes. ठीक है जी, केस स्टडी पढ़ो फटाफट से, केस स्टडी कर क्वेश्चन दोबारा देना, अभी जल्दी जल्दी कर दो केस स्टडी, देखूं फिर। जल्दी पढ़ो केस स्टडी। इन मोबाइल देयर इज एन ऑप्शन स्नूज ड्यूरेशन, सबको पता है मोबाइल, तो आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता होगा है ना। मोबाइल में अलार्म लगाते हो कभी? ये मम्मी उठाती है सुबह। Yes. Yes.
अच्छा मोबाइल में अलार्म लगाते हो, ओके। तो उसमें स्नूज आता है जैसे बंद करके वापस सो जाते हो, मजे से, फिर मम्मी डंडे मार के उठाती है, उठ जा भाई स्कूल का टाइम। तो यहाँ क्या है, इन मोबाइल देयर इज एन ऑप्शन स्नूज ड्यूरेशन, विच इज द ड्यूरेशन ऑफ रिपीट अलार्म अंटिल इट इज स्टॉप्ड। अगर आपने अपने उसमें स्नूज ड्यूरेशन 2 मिनट की लगाई है तो 2 मिनट के बाद वापस बजेगा, 5 मिनट की लगाई है तो 5 मिनट बाद वापस बजेगा, ऐसे वो बजता रहेगा जब तक कि आप उसको बंद नहीं कर देते हैं। अब क्या है, इन अ फैमिली देर आर 4 मेंबर्स ए बी सी एंड डी, ऑल ऑफ देम सेट द अलार्म फॉर द सेम टाइम 6 AM विद द फॉलोइंग स्नूज ड्यूरेशंस। 4 लोग हैं एक फैमिली में, चारों ने अपने मोबाइल में 6 बजे का अलार्म लगाया। ए जो मेंबर है उसने 2 मिनट का स्नूज ड्यूरेशन रखा, बी ने 3 मिनट का, 4 मिनट का, और डी ने 5 मिनट का। ठीक है, इसका मतलब ए का अलार्म एक बार 6 बजे बजेगा, अगली बार कितने बजे बजेगा, 6 आवर्स 2 मिनट्स पर, उसके बाद बजेगा 6 आवर्स 4 मिनट्स पर, 2 2 मिनट के बाद बजता रहेगा। ऐसे ही अगर डी की बात करो तो उसका अलार्म 5 मिनट के बाद बजता रहेगा। क्वेश्चन समझ में आई बात? अब आपको कहा गया एट व्हाट टाइम आफ्टर 6 AM ऑल द अलार्म्स विल रिंग अगेन टुगेदर। 6 बजे का तो सबने लगाया ही था, तो 6 बजे तो सबका एक साथ बजेगा ही बजेगा। ठीक है जी, उसके बाद अगर वो बंद नहीं करते, स्नूज पे ही चलता रहा है, तो दोबारा किस टाइम पर सबका अलार्म एक साथ वापस बजेगा? 6:30 6:30।6:30 मार लो तुके। एक काम करना, आज घर में 4 लोग हैं तो ऐसे स्नूज लगा के देख भी लेना कि कैसे कैसे होता है। कॉन्सेप्ट बताओ क्या लगाना है, दोबारा सबको एक साथ बजवाना है। एक की स्नूज ड्यूरेशन 2 मिनट है, दूसरे की 3 है, तीसरे की 4 है, चौथे की 5 है, अगली बार दोबारा कब एक साथ बजेंगे, ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एलसीएम हाँ वो क्या एलसीएम दो, एलसीएम ही चल रहा है तो एलसीएम ही निकालना होगा। बच्चों एक बात तो आपको समझ में आ रही है कि एक अलार्म अगर 2 मिनट के बाद बज रहा है, एक 3, एक 4, एक 5, तो दोबारा इकट्ठे बजने के लिए कम से कम 5 मिनट का गैप तो होना ही होना चाहिए, 5 से ज्यादा ही होगा, उससे कम तो होने नहीं वाला। तो मेरे आंसर ने इन ना है या तो फिर उसके बराबर, ऐसे केस में क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम की एचसीएफ। जब गिवन आंसर गिवन नंबर से बड़ा होगा तभी भी एचसीएफ तो हो ही नहीं है। फैक्टर्स हमेशा नंबर से छोटे ही होते हैं, बड़े तो कब, मल्टीपल्स बड़े होते हैं। इसका मतलब क्या निकालो, निकालो जरा, देखिए एलसीएम निकाल दो। 60 आ रहा है, चलो देख लेते हैं, अगर आप कहते हैं तो आ रहा होगा बिल्कुल। फिर से 2 ले लेते हैं, चलो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाओ। 3, फिर 5, सो एलसीएम इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज 60, मतलब कि दोबारा उनका अलार्म एक साथ कितने मिनट के बाद बजने वाला है। पहले ये बात बताओ समझ में आई है सबको? ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर बताओ। द टाइम एट विच दे ऑल रैंक टुगेदर इज द डैश ऑफ द स्नूज ड्यूरेशंस, एलसीएम और एचसीएफ। ने देख ही लिया, हमने सारे स्नूज ड्यूरेशंस का एलसीएम निकाला, 60 मिनट, 60 मिनट के बाद सबके अलार्म दोबारा एक साथ बजने वाले हैं। अगला पढ़ते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डज द अलार्म ऑफ पर्सन सी इन ऑल रिंग फ्रॉम 6 AM टू 7 AM। जो सी पर्सन है, 6 से लेके के बीच में कितनी बार उसका अलार्म बजा? तीन टाइम्स
कितना स्नो मैम 15 टाइम्स 15 टाइम्स ध्यान से सोच के बताना 15 15 की 16 15 को डिवाइड कर देंगे 60 मिनट्स हैं 6 से 7 के बीच में यस यस हर 4 मिनट के बाद बज रहा है Yes. तो बार तो ये हो गया और एक 6 बजे तो बजा ही बजा उसने क्या पूछा 16 आंसर 16 आंसर आएगा बेटा एक 6 बजे बजेगा फिर 6:04 पे बजेगा ये 6 वाला भी तो लेना है ना 4 4 से जो डिवाइड कर रहे हो 60 को जब 4 से डिवाइड कर रहे हो 15 बार आ गया लेकिन 6 बजे वाला भी तो काउंट करना है ना मुझे टोटल में समझ रहे हो Yes. From 6 to 7 पूछा गया तो 6 बजे जो बजा उससे लेकर के 7 बजे तक में 15 थे मतलब 6 4 से लेके 7 बजे तक 15 बार और एक बार 6 बजे भी बजा है सो टोटल हाउ मेनी टाइम्स 16 अगला क्वेश्चन पढ़ो द एच सी एफ ऑफ 2, 3, 4 and 5 इज 60 बहुत ही जल्दी रहती है एलसीएम नहीं पूछा मैंने एचसीएफ पूछा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5 किसी में भी 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं 2, 3, 4, 5 के फैक्टर्स लिखो इसका जो फैक्टर है वो प्राइम अगर हम नॉर्मल फैक्टर्स में 1 काउंट करते तो 1 and 2 इज द फैक्टर 1 and 3 इज द फैक्टर हियर 1, 2 and 4 इज द फैक्टर हियर 1 and 5 सो कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 1 सीएफ इज 1 अगला क्वेश्चन पढ़ और सोच समझ के आंसर करना ए एंड डी बिल्कुल ठीक है और डी का बी पार्ट 6:10 ए के लिए स्नो रिलेशन है ये इको किस क्लास से आ रही है वो बंद कर दीजिए अपना माइक सी वाले हाँ और डी की स्नो रिलेशन है 5 इन दोनों का एलसीएम लिया तो 10 तो 10 मिनट्स के बाद वापस सी और ए और डी के अलार्म 1:07 दैट इज 6:10 अब जरा ध्यान से ये केस स्टडी वापस देख लो अगर किसी को कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो और अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं क्वेश्चन देने लगी हूँ वो क्वेश्चन सॉल्व करके बता देना मुझे मैम 6E मैम थर्ड पार्ट में मैम प्रॉब्लम आ रही है हाँ जी बोलो हाउ मेनी टाइम्स डज द क्लाम ऑफ अ पर्सन सी इन ऑल रिंग्स फ्रॉम 6 AM to 7 AM बेटा देखो 6 और 7 के बीच में एक बार तो 6 बजे अलार्म बजेगा एक बार 7 बजे भी बजेगा और देखो 6 से 7 के बीच में कितना टाइम है 60 मिनट्स का yes. और कितनी कितना उसका स्नूज ड्यूरेशन कितना है सी का 4 इसका मतलब 60 / 4 मैं करूं तो 15 बार बजा लेकिन 6 बजे भी तो बजा yes. तो टोटल कितना हुआ एक बार 6 बजे बजा फिर 6:04 पे बजेगा फिर 6:08 पे बजेगा फिर 6:12 पे बजेगा अगर कंफ्यूजन देखो ऐसे कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए नहीं तो ये फिर लिख के देखने पड़ेंगे आपको मल्टीपल तब समझ में आए yes. ठीक है जी yes. ओके जी क्वेश्चन लिखो जी एक फाइंड टू नंबर्स क्लोज टू 5000 फाइंड टू नंबर्स क्लोज टू 5000 विच आर डिविजिबल बाय 33, 55 and 25
जो नंबर्स अभी बोले वो एक बार रिपीट कर दो. 33, 55 and 25. You have to find a number which is closer to 5000. Two numbers closer to 5000 which are divisible by 33, 55 and 25. हाँ जी, निकला कुछ? मैम 750. मैंने कहा 5000 के पास, आप मुझे 750 आंसर कर रहे हो. सेवन फिफ्टी क्या निकाला है पहले ये बताओ. व्हाट इज 750? एलसीएम. एलसीएम. तो क्या वही आंसर होगा? अभी मैंने पहले ही कहा था 2 मिनट बाद दोबारा क्वेश्चन दूंगी मैं. 5000 के पास का नंबर निकालना है जो कि डिविजिबल हो इन तीन नंबर से, 33, 55 एंड 25 से. पहला स्टेप था एलसीएम निकालना. बताओ जी एलसीएम सबका 750 आ रहा है क्या? थ्री से पहले डिवाइड किया 11, 55, 25. अब क्या करें? 5 से 11, 5. ठीक है जी, ऐसे ही करेंगे. 2 से कोई डिविजिबल नहीं हो रहा. अगला प्राइम फैक्टर है 3, 3 से ये डिविजिबल हो रहा है. अगला प्राइम फैक्टर है 5, 5 से ये दोनों डिविजिबल हो रहे हैं. अगला प्राइम फैक्टर फिर से 5. जब 5 लेंगे तो मेरे पास ये आया और फिर हम लेंगे 11. 1, 1, 1. So LCM is 3 into 5 into 5 into 11. हाँ जी बताइए जी, LCM क्या आया? 825. I am getting my LCM as 125. जिसका 750 है वो जरा चेक करो कहाँ पर गड़बड़ करी है. LCM is 825. अगला स्टेप अब क्या करने को बोला था? 5000 के आसपास का नंबर ढूंढना है. तो क्या करना है मुझे नेक्स्ट? फाइव थाउजेंड डिवाइड करना है 25 से. डिवाइड करो 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 जल्दी जल्दी. 5000 को 825 से डिवाइड. फाइव
मैम 50 रिमाइंडर. 50 इज रिमाइंडर. 825. सिक्सा फिफ्टी इज रिमाइंडर. तो अब नंबर कैसे निकालूंगी? 5000 का नंबर चाहिए था जो इन तीन से जो दिए थे. सी आ बना. मैम 4950 एंड 5775. ठीक है जी. पहला नंबर निकालना है 5000 में से 50 माइनस करके, सो दैट विल बी 4950. दूसरा नंबर निकालने के लिए इसमें क्या ऐड करना है अब? मैम 825. इसमें 825 ऐड कर दिया. फाइव सेवन सेवन फाइव. तो जब भी किसी भी नंबर पास नंबर ढूंढने हो डिविजिबल बाय सर्टेन नंबर्स, फर्स्ट स्टेप फाइंड द एलसीएम ऑफ दोज नंबर्स. सेकंड स्टेप जिस नंबर के आसपास ढूंढना है उसको उस नंबर से डिवाइड. व्हाटएवर योर रिमाइंडर इज नंबर में से वो माइनस कर दो. और दूसरा ढूंढने के लिए जिस जो एलसीएम था वो उसमें ऐड कर दो. सो यू विल गेट द टू नंबर नियरिंग 5000 हियर व्हिच आर डिविजिबल बाय 33, 55 एंड 25. ठीक है जी. चलो जी मॉड्यूल देखते हैं हम. अभी है टाइम हमारे पास. पहले असर्शन रीजन ही कर लेते हैं इसके भी. करो जी असर्शन रीजन. एचसीएफ ऑफ 20, 28 एंड 36 इज 2. फॉल्स. False. Yes. Okay. क्या है फिर HCF? If 2 is not the LCM, HCF, then what is the HCF? नंबर है आपके पास 20. 28 and 36. You are saying this is false. 4 HCF. अच्छा जी, बस यही पूछा था मैंने क्या है HCF, यही बताना था. अगर आप कह रहे हो 4 है तो देख ले. True है. HCF of these three numbers is 2. Is it true or false? False. दो. अब एक और फैक्टर दो आ रहा है, इसका मतलब दो तो एचसीएफ नहीं हो सकता. ये बात तो कंफर्म हो गई है. 2 5s, 2 7s, 2 9s. बस एचसीएफ के लिए और कुछ कॉमन नहीं. सो एचसीएफ इज 2 × 4. इसका मतलब मेरा असर्शन तो हो गया फॉल्स. अब रीजन की तरफ चल. The highest common factor of two or more given numbers is the highest of their common factors. So this is true. True. So fair answer? D part. D part. Answer is D part. Whenever your assertion is false, reason is true, then the answer is option D. Next, the LCM of 5 and 12 is 60. LCM of 5 and 12 is 50. Yes. True. Mm, yes. True. Assertion. Assertion true. Assertion true. Assertion is true. ठीक है जी. ठीक है. Important. LCM of 5 and 12 is 60. So assertion is true. Now let us talk about the reason. LCM of co-prime numbers is sum of numbers. नहीं, यहां पर एक बात आप याद रखेंगे. Write down. Important point है. LCM of two co-prime numbers या co-prime numbers जितने मर्जी हो, अगर co-prime है तो the LCM of co-prime numbers
is their product. अगर कोई भी दो नंबर को प्राइम है, को प्राइम क्या था वापस चले जरा एक बार, यहां नंबर दिए हैं 5 और 12, आधे को प्राइम. यस यस. क्या चाहिए था? एक ही कॉमन फैक्टर और वो वन. 5 के फैक्टर लिखे तो 1 एंड 5, 12 के फैक्टर लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. The only common factor is 1. It means 5 and 12, they are co-prime. और जो भी co-prime numbers होते हैं उनका LCM होता है product of numbers. That is 5 into 12. That is 60. Okay. तो यहां पर assertion तो true और रीजन फॉल्स. तो अब बताओ जरा. सी ऑप्शन. सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज में से थर्ड क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर दो जरा, बिल्कुल आसान ऐसा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एमसीक्यूज, अभी किया है बस, पिछले क्वेश्चन की केस स्टडी में जो काम किया वो यहां पे करना है अब हमें. अ नियॉन साइन बोर्ड हैज 3 कलर्स. द फर्स्ट कलर कम्स एवरी 20 सेकेंड्स, सेकेंड 24 सेकेंड्स, थर्ड एवरी 12 सेकेंड्स. ऑल लाइट्स वर स्विच्ड ऑन टुगेदर एट 8 PM व्हेन ऑल द 3 लाइट्स अप टुगेदर अगेन. आप लोगों ने दिवाली पे देखा होगा, आप लाइट्स लगाते हो तो वो ब्लिंक करती रहती है, कभी एक कलर की जल रही है, फिर दूसरी जल रही है, फिर तीसरी जल रही है, कभी ऐसा होता होता है मम्मी. यस. अगर कभी आपने उनके साथ टाइमर लगा होता है डिफरेंट, उसके अलग अलग पैटर्न्स में आप उनको कर सकते हो, कभी ध्यान देना. इस बार दिवाली पे अगर लाइट्स लगाएंगे तो लाइट्स को बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी आप लोगों ने, सिर्फ पेरेंट्स के साथ देखना खड़े होकर के कि लाइट जहां से आप स्विच ऑन करते हो ना, जहां उसका स्विच वो होता है सॉकेट में डालते हो, जो आप प्लग इन करते हो, उसके साथ में एक छोटा सा ऐसे डब्बी सी होती है, उसके अंदर डिफरेंट टाइमर्स लगे हुए होते हैं, उससे आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न सेट करते हो. तो वो जो पैटर्न की सेटिंग हो रही है उसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है जो यहाँ तुम लगाने वाले हो, उससे ही वो कैलकुलेशन करके उसका टाइमर लगाया जाता है. क्या कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, LCM लगेगा, HCF लगेगा? पर निकाल के, बिल्कुल ठीक है जी, जल्दी से निकालो. 8:02 PM, 8:02. LCM is 120. ऑप्शन बी 8:02 PM. टाइम यहां पर आपको दे रखा है इन सेकेंड्स, और 120 सेकेंड का मतलब 2 मिनट. तो पहले अगर 8 बजे एक साथ जली थी तो अब 8:02 पर एक साथ जलने वाली है. आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, किसी को किसी में कोई डाउट हो? नो. और जो हमने वो डिविजिबल वाला किया कि 10,000 के पास या 5,000 के पास, वो सबको समझ में आया? Yes. अगर अगली क्लास में दोबारा कराऊं कल को तो भूल तो नहीं जाओगे तब तक? No. पक्का? Yes. चल ठीक है बच्चों, अगली क्लास में ये फिनिश करेंगे. ड्यूल आपका पढ़ा है और हाय मैम. ओके. बाय बाय बच्चों. बाय 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 जी.